नमस्कार, स्वागत आपका धन्यम न्यूज में। मैं हूँ रोहित बाल मुकुंद आचार्य, हवामहल के विधायक, जो इस समय काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। बाल मुकुंद आचार्य की अगर हम बात करें तो बाल मुकुंद आचार्य कुछ दिन पहले जब वो विधायक बने तो मीट मांस की दुकानें बंद कराने पहुंच जाते हैं, वहां से वह सुर्खियों में छा गए। उसके बाद एक स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर हिबाब को बैन कराने पहुंच जाते हैं, और कल रात ऐसे ही भट्टा बस्ती थाने में पहुंच जाते हैं जहां पर औचक निरीक्षण करते हैं, जहां पर वो रजिस्टर चेक करते हैं कि कौन गश्त में गया हुआ है, कितने पुलिसकर्मी थाने में मौजूद है या नहीं। इन तमाम जानकारियों को अवगत कराने के लिए वह खुद थाने पहुंच जाते हैं। बाल मुकुंद आचार्य अभी तक भट्टा बस्ती, माणक चौक और गलता गेट, इन तमाम थानों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। मैं हर सप्ताह में 3 से 4 थानों का करीबन रात 12 बजे से 3 बजे तक औचक निरीक्षण करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है तो पुलिस व्यवस्था में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हम हर जगह हम पुलिसकर्मी तैनात कर देंगे। हवा महल के आसपास कॉलेज, स्कूल तथा पर्यटक स्थलों पर पुलिसकर्मी तैनात कर देंगे सिविल ड्रेस में, ताकि जो छेड़छाड़ और तमाम तरह की जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगा सके। हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य, कांग्रेस पार्टी की सरकार में पुलिस व्यवस्था सही नहीं थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से पुलिस व्यवस्था राजस्थान में अच्छी बनी हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनहम न्यूज।